नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अम्बेडकर नगर विकासखंड बसखारी ग्राम पंचायत एक डंगी दाऊदपुर में मीडिया पड़ताल में खुल रहा है भ्रष्टाचार के पोल। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्तमान प्रधान के समय में हैंडपंप कोई मरम्मत नहीं कराया गया। कुछ हैंडपंप का पानी दूषित हो गया है, कुछ तो बंद पड़े और कागजों में मरम्मत के नाम पर 2022-23 में हैंडपंप मरम्मत के नाम से 2,21,686 रुपये निकाल लिए गए हैं। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि जब हैंडपंप मरम्मत के लिए कहा गया तो ग्राम प्रधान ने बताया कि अब हैंडपंप मरम्मत का पैसा नहीं आता है, अब पानी की टंकी लगी है, उसी पानी टंकी से सबको पानी मिलेगा। क्या गजब का खेल ग्राम पंचायत में फल फूल रहा है। ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव मिलकर सरकारी धन को बंदरबांट कर रहे हैं, हैंडपंप मरम्मत के नाम पर कागजों में रुपया निकालते चले जा रहे हैं। इसका खुलासा ग्रामीणों ने किया। फिलहाल देखना यह होगा कि हैंडपंप मरम्मत के नाम पर ग्रामीणों ने जो बताया, ग्राम प्रधान ने कहा था कि अब हैंडपंप मरम्मत के नाम पर रुपया नहीं आता। अब यह सवाल बना हुआ है कि क्या वास्तव में हैंडपंप मरम्मत पर रोक लगाई गई है। जो ग्राम पंचायत में टंकी निर्माण कराया गया उसी टंकी से पानी मिलेगा। ग्रामीणों को ये बहुत से सवाल जनता में गूंज रही है और जिस तरीके से कागजों में रिबोर और मरम्मत के नाम पर रुपये निकाले जा रहे हैं, इस पर अंकुश लगा पाएंगे जिम्मेदार अधिकारी या फिर ऐसे ही भ्रष्टाचार ग्राम पंचायत में होता रहेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जहां एक तरफ मुखिया योगी आदित्यनाथ की योजनाओं की धड़ी लगाए हैं तो वहीं जिम्मेदार अधिकारी योजनाओं को पलीता भी लगा रहे हैं। यहां देखिए एक हैंड पंप लगा था, ये आज अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। मरम्मत के नाम पर 19,000, 20,000, 25,000 ऐसे निकाले जाते हैं। यहाँ कुछ ग्रामीण है, हम जानेंगे कि कब से नहीं मरम्मत हुआ, कब से यह नल बंद हुआ है कि जो चालू नहीं। दादा आपका नाम क्या है? राम जी। ये नल जो हैंड पंप लगा हुआ है ये कब से खराब हुआ है? अरे ये प्रधानी के पहले में बना है। मतलब ये प्रधानी पूर्व प्रधान के समय से खराब हुआ है। भैया आपका क्या नाम है? चंद्र केश वर्मा। ये हैंड पंप मरम्मत कभी हुआ यहाँ? नहीं, अब की इस पंचवर्षी में कभी नहीं हुआ। कई बार उनसे कहें कि कहे प्रधान से क्या बोले कि इसको सही करा दीजिए। प्रधान यहाँ कौन है? प्रधान रमेश यादव। वो बोले क्या सही करा दे, पानी टंकी लग रहा है, उससे सब पानी पियेंगे, इसका पैसा नहीं आता है, ये नहीं सही होगा। मतलब कागज में जो पैसा निकलता है वो हजम हो जाता है। अब वो प्रधान जाने, हम लोग कहें नहीं बनवाए, वो तो प्रधान थे तब सही कराए थे उसको। अच्छा, शौचालय चालू है कि नहीं चलता? आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।